अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू रेड बॉक्स। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी पोजेशंस, बुकिंग और दीगर मसले मसाइल के हवाले से जो एज अ इन्वेस्टर आपको फेस करनी पड़ती हैं, और हमारे जो रियल इस्टेट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको इन प्रॉब्लम्स के हवाले से सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से माशाल्लाह से आप लोगों की तरफ से हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसलिए आज हम दोबारा मौजूद हैं आपकी खिदमत में अपने एक्सपर्ट मिस्टर तौकीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक ठाक सर। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इन्वेस्टर्स की बात की थी, तो चलिए आज जरा बिल्डर्स के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट्स चल रही हैं और न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़ में इजाफा होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो है अब मार्केट में न्यू बिल्डर्स भी जो है ना वो मज़ीद आते जा रहे हैं, तो उनकी फ़िलहाल करंट मार्केट में क्या रेपुटेशन है? बीबी, मसला ये है कि जो हमारे पुराने जो बिल्डर्स हैं ना, वो उनकी जो भी रेपो है वो है लोगों के जहनों में, लेकिन जो नए बिल्डर हैं उनकी रेपो पुराने बिल्डरों से थोड़ी सी बेहतर है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो नए बिल्डर हैं, जो भी टाइम शेड्यूल आपको देते हैं, उस टाइम शेड्यूल के ऊपर उनकी कोशिश ही होती है कि वो आपको पोजिशन ऐप के हैंड ओवर कर दें। पुराने बिल्डर जाहिर है कि मतलब वो उनको तमाम चीज़ों का इल्म होता है, तमाम मामलात का इल्म होता है, इसलिए जो है वो कोशिश तो ज़रूर करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये कि वहाँ वो मार खा जाते हैं। नए बिल्डर जो है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं, इस वजह से जो है वो नए बिल्डर जो है वो टाइम पे कब्ज़ा दे रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है कि जो नए बिल्डर हैं वो थोड़ा सा कब्ज़ा जल्दी दे देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अब कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि बिल्डर्स वो लेट कर देते हैं, पोजेशन लेट हो गई या दीगर मसले मसाइल आ गए, तो इनकी क्या वजूहात हैं, क्या बिल्डर को इससे उनको उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि बिल्डर भी बहुत परेशान होता है अलॉटी से, क्योंकि जब बुकिंग का टाइम आता है तो बिल्डर, पहली आप अपने जहन के अंदर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर लें कि बिल्डर के पास ज़मीन होती है, बिल्डर उसकी एनओसी लेता है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। उसके बाद बिल्डर की कोशिश ये होती है कि वो अपनी जेब से एक रुपया न लगाए, बल्कि अलॉटीज के जो पेमेंट है, जो पेमेंट आ रही है, जो उसकी माहाना इंस्टॉलमेंट आ रही है, जो सहमाही इंस्टॉलमेंट आ रही है, या छः छः महीने की जो इंस्टॉलमेंट है उसके, उससे वो अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करे। लेकिन यहाँ ये होता है कि जी हम जो अलॉटी होते हैं ज़्यादातर, वो इंस्टॉलमेंट वो बुकिंग के वक्त तो वो बहुत शौक से बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक अमाउंट आ रही होती है उनकी महाना या क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, वहाँ जाके वो फंस जाते हैं, फिर वो इंस्टॉलमेंट रेगुलर नहीं दे पाते। जब वो इंस्टॉलमेंट रेगुलर नहीं दे पाते तो लामहला बिल्डर जो है उसको वो काम की स्पीड को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से कब्ज़ा लेट हो जाता है। अच्छा, जैसे बिल्डर्स के हम बात करते हैं कि उनकी क्या रेपुटेशन है, तो एज अ इन्वेस्टर भी तो कोई रेपुटेशन होती है ना, एज अ इन्वेस्टर आपकी, तो वो अपनी उस रेपुटेशन को किस तरह से बरकरार रखें? देखिए, मैं तो एज ए इन्वेस्टर या जो एक इन्वेस्टर तो आपको महान इंस्टॉलमेंट दे रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। असल में मार कहाँ खाता है, वो आदमी खाता है जो मुतवस्सित तबके का अफराद होते हैं, वो जो बुकिंग तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू जो है वो देते रहना उनके लिए थोड़ा सा मसाइल का शिकार होते हैं। वो प्रॉब्लम होती है लोगों को, जिसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं कि जो बिल्कुल ऐसे लोग जो महाना इंस्टॉलमेंट तो दे रहे होते हैं लेकिन जो है वो हर छठे महीने के बाद हर छह महीने की इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाके वो फंस जाते हैं, वहाँ जाके वो इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाते। अच्छा सर, जैसे कि शुरू में जैसे बिल्डर्स आपसे कुछ कमिटमेंट्स कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, बिजली गैस हर हवाले से, पानी के हवाले से, कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, लेकिन वक्त आने पर वो अपनी वो ये वाली कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते, तो इसमें आप किसको, मतलब इसमें कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कोई भी अदारा जो है, जो गवर्नमेंट का अदारा है, वो कुछ वो जब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाते हैं या गैस की तरफ जाते हैं तो वो बिल्डर को देख के उनका मुंह खुल जाता है, ठीक है ना,
वो बहुत ही उनका जहन वहाँ तक, मतलब वो चाहते हैं कि जी बस इसकी जो 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 बेसिक जो अमाउंट होती है या जो ऊपर से जिसको उर्फ़े आम में ये कहा जाता है जी अंडर द टेबल, अंडर द टेबल की जो अमाउंट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्डर जो है उसको भी देते हुए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि वो कितनी अमाउंट दे। अब उस जगह पे जाके जो है वो बिल्डर परेशान हो जाता है, बिल्डर जो है वो कोशिश ये करता है कि इसको कम से कम पेमेंट में, क्योंकि जाहिर है आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाओगे तो उस भी आपको देना पड़ेगा, गैस की तरफ जाओगे तो भी देना पड़ेगा, सेवरेज एंड वाटर में की तरफ जाओगे तो वहाँ भी देना पड़ेगा, उसको हर जगह देना पड़ता है, ठीक है ना। ये कल्चर है, ये अब कल्चर हो गया, ये पूरा माफिया है जो इस पूरे माहौल को ख़राब कर रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अमूमन प्रोजेक्ट इन्हीं चीज़ों की वजह से डिले हो रहे होते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट के ना देने की वजह से डिले हो रहे होते हैं। चलिए सर, अपने आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमें ये बताइएगा कि जब इन्वेस्टर के पास जैसे छोटी रकम हो 20 से 25 लाख या मैक्सिमम 30 लाख की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अगर वो गलत इन्वेस्टमेंट करता है जैसे कि उसे नॉलेज नहीं है, तो उस गलत इन्वेस्टमेंट करने से उसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए मैं आपको छोटा सा वाक्य बताऊं जो अभी रिसेंटली कोई 15 से 20 दिन पहले आया। वो हुआ ये कि एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी मैं जो है ये एक प्लॉट, मेरे पास टोटल इतने पैसे हैं और मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, आप ज़रा मुझे बता दें कि ये प्लॉट जो है इसकी वैल्यू क्या है या ये प्लॉट जो है ये अथेंटिक है या नहीं है। अब जब मैंने उसकी प्लॉट की डिटेल उससे ली तो वो पता चला कोई गोट है उसका प्लॉट है। अब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जी वो प्लॉट सिरे से है ही नहीं, MDA के अंदर कोई शो ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो 8.5-9 लाख रुपए का प्लॉट उसको 80 गज का उसको दे रहा था। अब मैंने उन साहब को फ़ोन किया, उनको तमाम डिटेल दी, उससे के बाद उन्होंने कहा जी आप मुझे बता दें कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मैंने उनके से पूछा कि भाई आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा जी वो मैं पूरी ज़िंदगी मैंने स्कूल में पढ़ाया है और अब मैंने पढ़ाने के बाद ये कोई 25-30 लाख रुपए मिले हैं तो मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चों का सर छुपाने की कोई जगह हो जाए। अब आप मुझे बताएं कि उस वो अगर कहीं वो फंस जाता है तो उसके 8-10 लाख रुपए तो गए वहाँ पे, 2-4 लाख रुपए और उसने उस पर भी लगा दिए तो उसकी तो पूंजी, जमा पूंजी सारी की सारी ख़त्म हो गई। मैंने उसको ये कहा कि जी आप 4 साल और कहीं किराए पर रह लें और सरजानी में ही अगर आप कहीं रह रहे हैं तो सरजानी में कुछ 3 कमरों का इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट ले लें जिसकी कीमत 25-30 लाख के करीब होगी, तो वो लेके आप वहाँ रह लें, ठीक है ना। अब मैं आप उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से पहले वो उस जगह की तमाम मालूमात लें, नहीं पता तो रेड बॉक्स के चैनल पे आ जाएं। हमारा नंबर चल रहा होता है, मेरी ये वीडियो चल रही है, ये रेड रोज़ की वीडियो चल रही है, इसके नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करें, मैं होऊंगा या कोई भी साहब होंगे, आप उनको बताएं, उनको उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, वो आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बताएंगे कि जी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हिसाब किताब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आप आते हैं और जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, अपना वक्त हमें देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन बस आपने ये बात सोच लेनी कि देखिए 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, जिस तरह के आप बिल्डर्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनकी कोई रेपुटेशन है तो इन्वेस्टर्स की भी कुछ रेपुटेशन है, तो उस चीज़ को भी बरकरार रखना होता है। तो बस बात सारी होती है कि नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की, जिसके लिए रेड बॉक्स की टीम और हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं आपको हर लिहाज से गाइड करने के लिए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप बिला झिझक हमसे रابطہ कीजिए, स्क्रीन पर हमारे सर तौकीर साहब हैं, उनका नंबर भी गिवन है, आज ही आप हमसे रابطہ करें और हर तरह की मालूमात से बाखबर रहें। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।